हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नलिनी त्यागी एंड आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आई हूँ, सर्कल्स। बेसिकली सर्कल्स में बच्चों को बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, मैंने कई बार देखा है। बट बिलीव मी, दिस इज़ द बेस्ट चैप्टर। ये सबसे ईजी और सबसे अच्छा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लग जाएंगे आपके क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर कर दें। तो चलिए फिर बातें ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, कि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन मिलते रहें। तो चलिए फिर बातें ज़्यादा ना करते हुए हम बढ़ते हैं सर्कल्स की तरफ। तो हमें बेसिकली सर्कल्स में पहली चीज़ पढ़नी क्या है, क्या पढ़ना है सर्कल्स में। ठीक है जी, अब ये एक सर्कल है। इस सर्कल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें जो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें पढ़ना है टेंजेंट। तो टेंजेंट ऐसी क्या चीज़ है जो इस सर्कल में हम बना सकते हैं। टेंजेंट अगर हम एक डेफिनेशन में बोलें तो बेसिकली टेंजेंट हमारी एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। टेंजेंट इज़ द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल ओनली एट ए सिंगल पॉइंट। अब मैम सिंगल पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट थोड़ी ना करेगी, टच करेगी, बोथ थिंग्स आर सेम, कोई फर्क नहीं है उस चीज़ से। तो दैट मीन्स इस तरह से, समझे, ये पॉइंट हमारा क्या है, टेंजेंट है। या हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, सपोज मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, तो क्या ये मेरा टेंजेंट है? नो, दिस इज अवर सीकेंट। इसे क्या बोलते हैं? सीकेंट। ये क्या है हमारा? सीकेंट है। और ये क्या है हमारा? टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है। वैसे सर्कल में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं, सेगमेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें हमारा सिर्फ मेनली जो पॉइंट है वो है टेंजेंट के बारे में। ठीक है, अब हम टेंजेंट की तीन प्रॉपर्टी होती हैं, पहले हम वो तीन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो केस वन में वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सर्कल। अगर मैं सर्कल के इनसाइड में हूँ, यहाँ मेरा कोई पॉइंट है, क्या मैं इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना सकती हूँ? नहीं बना सकती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसे कट करेगा। तो मेरे टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन है? कि टेंजेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो मेरे सर्कल को कहीं भी कट नहीं कर सकता। आई समझ में बात? तो दिस इज नॉट ए टेंजेंट। सो केस वन इज क्या आया? वी कैन नॉट ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट इन साइड द सर्कल। क्लियर है केस वन? सर्कल के अंदर से कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। कई बार पूछा भी जाता है दैट हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द सर्कल। सो जीरो टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द सर्कल। ठीक है जी, केस टू देख लेते हैं। केस टू में क्या है कि अगर मेरा पॉइंट सर्कल के बाउंड्री के ऊपर हो, इफ़ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो अगर ऑन द सर्कल है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? अभी मैंने बताया कि यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ तो देखो, अगर हम इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना शुरू करें, ये सपोज मैंने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, एक टेंजेंट, ये कितने टेंजेंट्स में यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ? सिर्फ एक। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। अगर हम एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट नहीं, सीकेंट्स है। आई बात समझ में? तो केस टू क्या है?
इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल देन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ. अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है. ठीक है, चल बात समझ में आ गई होगी. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं. अगर हम इससे बाहर लें, हम तीन जगह पॉइंट ले रहे हैं, हमने इनसाइड लिया, हमने ऑन द सर्कल लिया, अब हम आउटसाइड द सर्कल लेंगे. तो अगर हम आउटसाइड द सर्कल लें, ड्रॉ कर रेज कर लेते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया पी, तो यहाँ से मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ? देखिएगा, एक टेंजेंट इस तरह से और एक टेंजेंट इस तरह से. ठीक है जी, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट. तो एक आउटसाइड पॉइंट से हम सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो केस थ्री हमारा क्या आया, वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउट साइड पॉइंट. ठीक है, इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग कहानी है आउटसाइड पॉइंट के बारे में, कि जब दो टेंजेंट हम बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. ठीक है, अगर ये पी क्यू है और ये पी आर है तो मेरा पी क्यू और पी आर क्या होगा, इक्वल होगा. ये हमारी थ्योरम 10.2 है जो हम अभी प्रूफ करेंगे. मेन पॉइंट समझ में आ गए? चलिए एक्सरसाइज 10.1 देख लेते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्बल क्वेश्चन है तो ऐसे ही हम उसे सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन में कह रहे हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है. अब इस सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हो बताओ, कितने टेंजेंट बना सकते हो? इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें नहीं पता ना हम कितने बना सकते हैं इस पर. मैं इस पर जितने पॉइंट बना दूँ उतने टेंजेंट्स हैं इस पर बना सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट अब हमारे फिलअप्स हैं. ए में क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स पे कट करता है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? एट वन पॉइंट. कहाँ पे करता है? वन पॉइंट. एक भी देखा ना, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था और कहीं तो नहीं कर रहा था. ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं. सेकेंड में क्या कह रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड. एक लाइन जो एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, अभी अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं उसे, सीकेंट. ठीक है, थर्ड में क्या कह रहे हैं, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. अब पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो कितने हो सकते हैं? अब पैरेलल तुम ऐसे और ऐसे ही तो ड्रॉ कर सकते हो. अब अगर तुमने इससे ज़रा सा भी अंदर ले लिया तो क्या ये टेंजेंट्स रह गए? क्या ये सब टेंजेंट्स रह गए? नहीं रह गए. तो एट मोस्ट हम कितने कर सकते हैं? दो पैरेलल. ठीक है, ऐसे और ऐसे ले लो, चाहे ऐसे और ऐसे लो, कैसे भी ले लो, सिर्फ हम मैक्सिमम कितने कर सकते हैं एक टाइम में? टू पैरेलल टेंजेंट्स कर सकते हैं. आई बात समझ में? चलो फोर्थ में क्या कह रहे हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. क्या कहता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये वाला जो पॉइंट है, जो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर है बच्चा लोग? चलिए समझ में आ गया होगा. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं थ्योरम 10.1 कराना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि उसमें थ्योरम 10.1 का यूज होगा.
ईजी है, 10.1 थ्योरम कोई खास नहीं है, वर्बल थ्योरम है, वर्बल में जानी है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम थ्योरम 10.1 थ्योरम में क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स कि अगर हम सर्कल बनाएं और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये मेरा सेंटर है सर्कल का। तो अगर हम इसे मिलाएं, तो इनका कहना ये है कि जो रेडियस होगी वो टेंजेंट में हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है। ये हमने ओ ले लिया, ये हमने पी ले लिया। व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ले लो इसे, ठीक है। ओ पी क्या है, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। अब अगर ओ पी मेरा परपेंडिकुलर नहीं है, हम एक नॉर्मल चीज़ लेके चलते हैं, हमने क्या किया, हम एक लाइन पॉइंट लेंगे टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, कोई भी पॉइंट लो, कहीं भी, एनी वे, मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब अगर मैं क्यू से मिलाऊंगी तो क्यू मेरा हमेशा बाहर पड़ेगा, कहीं भी लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ तक ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ, तो क्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा बाहर पड़ेगा सर्कल के। और अगर हम सर्कल से बाहर जा रहे हैं तो क्या वो मेरी रेडियस से बड़ा होगा या छोटा होगा, वो हमेशा छोटा होगा, सॉरी, रेडियस हमेशा छोटा होगा, जो आउटसाइड पॉइंट है वो हमेशा सेंटर से दूर होगा, समझे। That means take a point Q on XY, Q always lie outside the circle हमेशा आउटसाइड द सर्कल होगा, दैट इज ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। अब हम इसमें कितने भी सेवरल पॉइंट्स ले लें, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, बड़े होंगे ओ पी से। सो ओ पी इज द मिनिमम डिस्टेंस between point O and XY, जो मेरा OP है वो minimum distance है XY और point O के बीच की। अब याद कीजिए perpendicular की जब हम definition करते थे, 7th-8th class में हमने perpendicular की definition पढ़ी थी, that perpendicular if we are lying any perpendicular on any line, then perpendicular is the shortest distance between that point and that line था। दैट मीन्स जब हमारा हम किसी भी पॉइंट से, हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, दैट किसी भी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन पे डिस्टेंस फाइंड करें तो मेरा जो परपेंडिकुलर होगा इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एज ओपी इज द मिनिमम डिस्टेंस। यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई, दैट्स वाई, सो यू कैन राइट डाउन दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। कुछ भी नहीं था ना थ्योरम में, थ्योरम में बेसिकली कुछ भी नहीं था, बट बहुत कुछ था, इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं 10.1 का। डस्टर कहाँ भाग जाता है भाई, हमारा पैर लगे डस्टर को भाग जाता है, कहीं नहीं भागता, रख के भूल जाता है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दैट ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, इस पे कोई पॉइंट है पी, इस पे कोई टेंजेंट है पी क्यू,
सर्कल की रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर. मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू. ओ से एक लाइन मिला दी हमने क्यू तक, ठीक है. सो दैट ओ क्यू, ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू. पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अभी हमने थ्योरम की कि हमारा जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री. लिख देंगे एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. यू कैन राइट डाउन द कंप्लीट थ्योरम और यू कैन ऑल्सो राइट थ्योरम 10 और 12. ठीक है, कंप्लीट थ्योरम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. दैट एनी रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल. ठीक है, ये पूरा आप लिख देंगे यहाँ पे. तो जब ये 90 डिग्री है तो अब मेरा क्या हो गया ये. सो ट्राइंगल पी ओ क्यू इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है, दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर. हाइपोटेनियस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है ओ क्यू का स्क्वायर. तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. ओ क्यू कितना 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. चलो सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ कर लेते हैं. तो पी क्यू स्क्वायर मेरा सिंपली क्या आ गया, 12 जो 144 माइनस 5 जो 25 इधर आके सब ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9 1. अजीब सा आ गया कुछ, रेडियस ही बनती ना 5 आ गया. तो आ गया तो पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आई थिंक आज समझ में आ गई है. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. इसमें क्या कह रहा है, द ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइंस एज दैट वन इज टेंजेंट एंड. इसे आप खुद से कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है. एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस पर एक टेंजेंट डालनी है. और तो टेंजेंट कैसे डालते हैं, टेंजेंट डालने का तरीका होता है ऐसे ही कुछ भी मत डाल देना. वो हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ी है किस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हमें कहीं किसी भी पॉइंट पे करनी है, तो किसी भी पॉइंट पे तो आप सीधा एक लाइन खींच दीजिएगा कोई पॉइंट लेके और सीकेंट आप बनाई देंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि हमारी मेन मेजर एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज है. हाँ जी, थ्योरम नंबर 10.2 में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और इक्वल. ये मैंने भी बताया अभी था कि अभी पीछे जब मैंने बताया था कि एक पॉइंट होगा तो इससे जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होंगे. अब हमें प्रूफ करना है कैसे होगी. तो चलिए कैसे होंगी प्रूफ कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और हमारे पास कोई आउटसाइड पॉइंट है तो इससे जब हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे ठीक है, ये हमने पी ले लिया, ये क्यों ले लिया, ये आर ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, इसका सर्कल है तो सेंटर भी होगा ओ, इससे यहाँ मिलाया, इससे यहाँ मिलाया. अभी अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है पिछली वाली में कि ये क्या होगा, इस पर 90 डिग्री और ये भी क्या होगा 90 डिग्री. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर. ठीक है, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन तो कुछ करी नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जॉइन ओ क्यू कोमा ओ आर एंड ओ पी. ओ पी को भी जॉइन कर लेना. ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव दैट क्यू पी इज इक्वल्स टू पी आर. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. चलिए प्रूफ देख लेते हैं अपने.
इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर, दोनों ट्राइंगल हम लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियस तो अलग नहीं, अलग अलग नहीं हो सकते। मैंने रेडियस क्यों नहीं लिखा, रेडियाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम दो रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन है ये, क्या है हमारा कॉमन है। एंड एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, क्यों, दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तीन चीज़ें इक्वल हो गई, क्या क्या, एस ए एस, हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सो ट्राइंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर ओ, क्या लिखोगे, बाय आर एच एस, आर एच एस लिखते हैं ना, अगर हम एक राइट एंगल दिखाते हैं तो आर एच एस लिखते हैं, साइड एंगल साइड नहीं लिखते। साइड एंगल साइड तब लिखते हैं जब दो साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होता है। देखो ये हमारा दो साइड, जो हमने दो साइड लिए उनके बीच वाला एंगल नहीं है, अगर इन दोनों साइड का बीच वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इक्वल दिखाते तब हम साइड एंगल साइड लेते हैं। आर एच एस हम कब लेंगे, जब हमारा एक एंगल क्या हो, राइट एंगल, राइट एंगल हो, ठीक है। चलिए आर एच एस से इक्वल हो गए, सो अब जब इक्वल हैं तो क्या होंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, इसके साथ ये हमारा थ्योरम खत्म हो गई, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इससे कोई बाहर है पॉइंट क्यू, और इससे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यहाँ कहीं सेंटर है वो, और सेंटर से जो डिस्टेंस है ये वाली, दिस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सिंपल वही क्वेश्चन है, ये सर्कल से हम रेडियस बनाएंगे तो रेडियस क्या बनाएगी, इसमें परपेंडिकुलर बनाएगी, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, इसे आर ले लेते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, ओ आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस लगाइए, क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस 24 इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 24 49, और ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ओ आर इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन गिवन है, ए, ठीक है जी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने
क्या कह रहा है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया है, ये डायग्राम दिया है आपको, ये वाला एंगल आपको 110 दिया है एंड यू हैव टू फाइंड एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे निकालोगे? देखो बहुत सिंपल होता है इसका, कोई इतना बड़ा वो नहीं लग रहा है इसमें। ये देखो हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। अब हमारे क्वाड्रिलेटर पी ओ क्यू टी में इन क्वाड्रिलेटर पी टी क्यू ओ एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। एंगल पी कितना? 90 डिग्री। एंगल ओ कितना? 110। ये भी कितना? 90 डिग्री। और एंगल टी आपको फाइंड करना है, तो करिए फिर। सॉरी 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो चलिए पहले पुट करते हैं, पी हमारा 90 डिग्री, ओ हमारा 110, क्यू हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल टी हमें फाइंड करना है। चलिए इसे सिंपली आप कर देंगे 290 और 290 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 360 में से 290 घटाइए, दिस इज ऑप्शन नंबर, था ना सिंपल क्वेश्चन, मुझे भी नहीं था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शुरू के क्वेश्चन इजी हैं, इनमें कुछ खास है नहीं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से लॉजिकल होंगे, होगा उनमें भी कुछ नहीं, उनमें भी बिलीव नहीं आपको बहुत ही मजा आएगा, बट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ Tangents PA and PB from point P to a circle with center O are inclined at each other at an angle of 80 degree, then angle POA. उसी तरह का क्वेश्चन है कुछ कि यही तुम्हारा टेंजेंट है PA and PB, ठीक है जी, और इन्होंने कहा कि एक सेंटर है O, इससे जो एंगल बन रहा है आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये वाला एंगल कितना है 80 डिग्री, ठीक है। वॉट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट पी ओ एंड ए, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे इससे मिला लेंगे, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें हमें। अब देखिए हमें ये पता है कि ये वाली जो लाइन है ओ पी ए पी बी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। लेट मी चेक माई कैमरा फर्स्ट, या कैमरा इज वर्किंग। सो क्या था, हाँ जी, ए पी बी की बाइसेक्टर कौन है, ओ पी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल। सो एंगल ए पी O is equals to half of angle A P B. Here you can write down that O P is the angle bisector of angle A P B. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, हाफ होगी तो एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा 80, तो इसका हाफ 40 डिग्री, ये वाला एंगल 90। नाउ इन ट्राइंगल ए पी ओ, एंगल ए प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। वैल्यूज पुट कीजिए, एंगल ए 90 डिग्री, ए पी ओ अभी आया है 40 डिग्री, ए ओ पी आपको फाइंड करना है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ए ओ पी, बताइए मुझे,
AOP हमारा आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके जब आप उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 डिग्री, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। दैट मीन्स अगर हमारा एक सर्कल है, उसका कोई डायमीटर है, तो इसके एंड्स पे जो हम दो टेंजेंट खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, ये दोनों क्या प्रूफ करने हैं हमें, क्या करने हैं, पैरेलल प्रूफ करने हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, ये वाला एंगल 90, ये भी 90, तो अगर मैं इसे AB कहूँ, इसे CD कहूँ, इसे हमने PQ कह दिया, ये सेंटर होगा। एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल PQD, क्यों होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल, और ऑल्टरनेट एंगल कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ द लाइंस आर पैरेलल एंड PQ इज पैरेलल ट्रांसवर्सल। इट इज, ये इक्वल क्यों है पहले तो, क्योंकि ये 90 डिग्री भी है, ठीक है, ओनली पॉसिबल व्हेन AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांस। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, कुछ भी नहीं था कुल मिला के क्वेश्चन में, बस थ्योरी में लगना था कि कुछ होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल एंड दो सर्कल, सेंटर दोनों का सेम है, ठीक है जी, आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इस तरह से कॉर्ड बनाई गई है जो कि इसे कट कर रही है, दैट मीन्स इसका टेंजेंट है। अब आपको इस कॉर्ड की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये O है, अब ये मेरी बड़े वाले ओ भी क्या होगी, मेरे बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसे इरेज कर दूँ तो मेरा ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब हम इसमें पाइथागोरस लगा के, ये भी हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं, इसे सी ले लेते हैं। तो अब जब हमारी BC निकल आएगी यहाँ से, तो मेरी AC क्या होगी, BC के इक्वल होगी, और उन दोनों को हम क्या कर देंगे, फाइनली ऐड कर देंगे या डबल्स कर देंगे। चल देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। AB इज द कोर्ड ऑफ लार्जर सर्कल as well as the tangent of smaller circle, ठीक है। So OC is equals to, OC is perpendicular to AB as C is the पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई बस ऑन में, OC क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा AB पर, क्योंकि C क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब लगाएंगे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, कहाँ लगे, सर्कल बहुत बड़ा बना लिया, इसे इरेज कर देते हैं, अब इसके आगे देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ
सी बी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर फाइव स्क्वायर ओ सी स्क्वायर थ्री स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस सी बी स्क्वायर. इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव थ्री थ्री जो नाइन तो ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इज इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर. तो सी बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई सिक्सटीन. सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर. तो मेरी सी बी की वैल्यू कितनी आ गई ये वाली वैल्यू फोर सेंटीमीटर. लेकिन हमसे सी बी नहीं पूछा, हमसे लेंथ ऑफ द कर्व पूछी गई है. सो लेंथ ऑफ दी कर्व इज इक्वल्स टू डबल ऑफ सी बी एट सेंटीमीटर. बट दिस इज अवर आंसर. चेक क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है. अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. देखिए एक एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. सर्कमस्क्राइब मतलब जो सर्कल है उस जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी चारों साइड उस सर्कल को टच करेंगी. समझे, अगर ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब होता है तो ट्राइंगल की तीनों साइड उस सर्कल को टच करती हैं. तो सेम यहाँ पे देखो जो चारों साइड हैं वो सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रही हैं. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. ओके, दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू प्रूव. व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं है. तो अब हम अपना लेफ्ट हैंड साइड इसमें लेके चलेंगे, ए बी और सी डी को लेके चलेंगे, ए डी और बी सी तक लेके जाएंगे. ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, ए बी प्लस सी डी. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है. ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी प्लस बी बी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ. ए बी प्लस पी बी प्लस सी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी को मैं लिख सकती हूँ डी आर प्लस आर सी, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती. अब देखिए ये जो ए पी है ये ए एस के इक्वल होगा, होगा. अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस. क्यों होगा, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट है. ठीक है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट. ठीक है, सिमिलरली पी बी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा. ठीक है, पी बी हमने किसके इक्वल ले लिया, बी क्यू के. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम एज, अब सेम रीजन है. फिर आते हैं अपने डी आर पे. सिमिलरली डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर को हम लिख सकते हैं डी एस. यहाँ पे भी आप ये लिखोगे सेम एज. अब चौथा क्या बचा, आर सी. तो आर सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू. क्या लिखें, इधर आ जाते हैं, आर सी इज इक्वल्स टू सी क्यू. सेम रीजन इज देयर. ठीक है, अब चारों वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे. पुट इन क्वेश्चन वन, चलिए पुट करेंगे. ए पी की जगह हमारा आ गया ए एस, प्लस पी बी की जगह आ गया बी क्यू, प्लस डी आर, डी आर की जगह आ गया डी एस, प्लस आर सी की जगह कौन आ गया. ठीक है, ठीक है जी. अब चलिए ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या होगा, ए डी होगा. तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेती हूँ, ए एस प्लस डी एस, और बी क्यू और सी क्यू को
प्लस करके बी क्यू प्लस सी क्यू। तो देखिए यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, बी सी होगा। तो इन दोनों की जगह तो हमारा क्या आ गया, ए डी आ गया, और इन दोनों की जगह क्या आ गया, सी बी आ गया। दिस वॉज द थिंग विच वी हैव टू प्रूफ। तो हेंस प्रूफ, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं सर्कल में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन। हाँ जी, ये इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिया है और इन्होंने कहा है कि इन दिस फिगर एक्स वाई, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल। तो अगर पैरेलल हैं तो हमने कभी प्रूफ भी किया था कि पैरेलल के बीच में जो हमारा सेंटर से होके जाएगा ये क्या होगा, हमारा डायमीटर होगा, ठीक है। पी क्यू का है क्या है, डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर ओ एंड अनादर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है जो कि ए बी ड्रॉ किया गया है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट, वट यू हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल, प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी कौन सा होगा, ये वाला, दिस वन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज़ है जो हमें प्रूफ करनी है। कैसे करें, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन ओ सी, ओ सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो ये इस पर 90 डिग्री बनाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल है और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, दोनों क्या है, 90 डिग्री है दोनों एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना सर्कल के और ऊपर टेंजेंट ही है, तो टेंजेंट को कट कर रहा है तो वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। सिमिलरली ओ सी हमारा रेडियस है एंड ए बी हमारा टेंजेंट है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ कॉमन, ठीक है, या पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं एंगल मेड बाय रेडियस ऑन ट्राइंगल, ठीक है, एंगल्स मेड ऑन, सॉरी नॉट ट्राइंगल, टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर बना रही है ना, ठीक है। तो वो क्या होगा, 90 डिग्री हो, या ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो, टेंजेंट की बात लिखो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करें, तीसरी चीज़ हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल्स टू ए सी, अभी पीछे लिखा था दैट एज ए इज द कॉमन पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर ड्राइंग टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट ए, ठीक है, सेम पॉइंट ए से बनी है। तो अब क्या हो गया हमारा, बाय आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए, कैसे, बाय आर एच एस। सो एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ ए बाय सी पी सी टी, ठीक है जी, चल कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सेम तरह से जब हम करेंगे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी,
ये वाला एंगल भी तो इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा बिल्कुल सेम तरह से, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें भी देखिए इसमें भी यही चीज़ें आएंगी सारी। तो अब ये हमारी बन गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर वन, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अब इसे हम करते हैं, इसे रब कर देते हैं यहाँ, क्योंकि अब हमें सिर्फ उनसे काम है। एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि पी क्यू क्या है, हमारी एक लाइन है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कोलिनियर, ठीक है, या लीनियरिटी बाई लीनियरिटी भी लिख सकते हो, कोलिनियर भी लिख सकते हो, लीनियरिटी लिख देते हैं, लीनियरिटी, ठीक है, लीनियरिटी हो गई ना, पी क्यू हमारी एक लाइन हो गई, तो उससे जो चार एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे। अब हमने अभी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखें तो ये जो एंगल पी ओ ए है, इसकी जगह मैं सी ओ ए लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी ओ ए या ए ओ सी लिख लेंगे। तो सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस सिमिलरली क्यू ओ बी की जगह, क्यू ओ बी की जगह या बी ओ क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी ओ बी लिख सकती हूँ। तो ये मेरा सी ओ बी ही रहेगा प्लस एंगल सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन सबको ऐड कर लेंगे तो सी ओ ए प्लस सी ओ ए हमारा हो गया 2 सी ओ ए प्लस 2 सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन जाके कैंसिल हो जाएगा तो सी ओ ए प्लस सी ओ बी इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, टू कॉमन गया, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इससे ही आंसर 90। अब देखिए सी ओ ए प्लस सी ओ बी कौन सा एंगल हो गया, हो गया क्या, हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंड हैंस हैज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेंटेड बाय द लाइंस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। आई बात समझ में, क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि हमारा एक सर्कल है, उसके बाहर एक पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। आप सुनिएगा ध्यान से, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, बिटवीन द टू टेंजेंट्स कौन सा एंगल होगा, ये वाला ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसे पॉइंट पी मान लेते हैं, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होगा, ये हमारा सेंटर हो गया, तो ये जो सेंटर को मिला रहे हैं ये वाला एंगल। आई बात समझ में, हाँ जी, हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल हमें प्रूफ करना है। तो हम लिख लेते हैं प्रूफ दैट, टू प्रूव दैट हमें प्रूफ क्या करना है, दैट एंगल अगर इसे ए और बी मानूं मैं, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। प्रूफ देखो, ए पी बी ओ इज ए क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर है, इन क्वाड्रिलेटर ए ओ बी पी
AOB प्लस एंगल BP, सॉरी वो से शुरू करेंगे ना, OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO इज इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री। चलिए ये 360 डिग्री है, तो जब ये 360 डिग्री है और एंगल A और एंगल B क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री होंगे। एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वाइल लिख देंगे वाइल, एंड एंगल OBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सर्कल की रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है तो वहाँ पे हमारा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे, एंगल मेड बाय रेडियस विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। इन्हें ऊपर पुट करेंगे तो देखिए ओ ए पी, सॉरी, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ओ बी पी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, दोनों की जगह 90 प्रूफ कर पुट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो गए 180, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएंगे 180 डिग्री। चल कर ही देती हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस 90 प्लस एंगल बी पी ए प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360। ये दोनों 90 ऐड होके उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, यही तो प्रूफ करनी थी। अब ये मत कहने लगना मैम ए बी पी है, ए पी बी है, यहाँ पे तो यहाँ पे बी पी ए है। आपको एंगल में हमेशा याद रखना है ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एंगल में हमेशा जो मिडल पोर्शन है वो देखा जाता है, आगे पीछे वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए बी पी लिखो चाहे आप ए पी बी लिखो चाहे बी पी ए लिखो, ठीक है, आपको मिडल पोर्शन सेम होना चाहिए। आप इसे ए बी पी नहीं लिख सकते, ये गलती बच्चे करते हैं, मैंने देखा है मोस्टली। आपका सेंटर सेम होना चाहिए, आपको सेंटर वाले एंगल से मतलब है, ठीक है। आगे पीछे का आप चेंज भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप ए बी पी लिखो चाहे ए पी बी लिखो चाहे बी पी ए लिखो, मैं जानबूझ के ऐसा करती हूँ ताकि बच्चों को और कॉन्फिडेंट बने, बच्चे कंफ्यूज ना हो, समझे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब एक सर्कल के, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ले लेते हैं पी क्यू आर एस। गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइबिंग अ चीज गिवन है। प्रूफ क्या करनी है, प्रूफ हमें करना है दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। चलिए
हमें रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, समझे? दैट मीन्स इन शॉर्ट हमें प्रूफ क्या करना है, दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। हमें सारी साइड्स क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, पता है ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। चल प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। हाँ जी, देखिए इसमें किस तरह से करेंगे। ये हमने इसका सेंटर लिया, ये हमारा सेंटर यहाँ पे आ जाएगा ए ओ सी। ठीक, ये ए सी क्या हो गया, डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब जब सेंटर से हम इसको मिलाएंगे तो ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, और इसको मिलाएंगे तो ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख देती हूँ, जॉइन ए सी आर ओ एंड ओ एस। ठीक है जी, बस और कुछ नहीं किया, सिंपल एक है। चल देखते हैं, अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए ओ आर एंड ट्राइंगल ओ सी एस। ठीक है, जब ए ओ आर और ओ सी एस नहीं लिखो, सी ओ एस लिखो, सी ओ एस लेंगे। अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए ओ आर एंड ट्राइंगल सी ओ एस। ठीक है जी, चलिए आर ओ इज इक्वल्स टू ओ एस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एंगल ओ ओ आर ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एस सी, क्यों 90 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, सिमिलरली ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, क्यों? क्योंकि ये एक डायगनल है और ओ क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, कैसे हो गए दोनों ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट हो गए? हो गए जी। तो ट्राइंगल ए ओ आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ एस। ठीक है, ठीक है, आर एच एस। सो इसे मिटा देते हैं। सो ए आर इज इक्वल्स टू एस सी बाय सी पी सी। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट डी है, उससे सेम सेम पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, डी आर एंड डी एस। डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, क्यों? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट से दो टेंजेंट खींचेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए आर प्लस डी आर, और इधर क्या हो जाएगा, एस आर प्लस डी एस। इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। तो वन प्लस टू जब हम करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ए आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू एस आर प्लस डी एस। अब बताइए ए आर प्लस डी आर, ए आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, ए डी, और डी एस प्लस एस सी क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ कर दी बच्चा, कुछ गड़बड़ कर दी। ए आर इज इक्वल्स टू, ए आर इज इक्वल्स टू एस सी होगा। ठीक है, हो जाती हैं कभी कभी ये गलतियाँ, तो ये हमारा हो जाएगा एस सी। ठीक है, तो ए आर प्लस डी आर कितना हो गया हमारा, ए डी इज इक्वल्स टू किसके हो गया, डी सी के। और ये कब पॉसिबल है,
करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो एक पैरेललोग्राम की तो वो क्या होता है, रोम्बस होता है। तो अब इसके नीचे आप लिख देंगे देयर फॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आई थिंक बस समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। खाली दो क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज के तो खत्म कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ठीक है, नाउ 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट डी। बी सी को पॉइंट डी डिवाइड कर रहा है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। हमें साइड्स ए बी एंड ए सी निकालनी है। देखिए हमें ये ए बी निकालनी है तो हम इसे पहले ए बी सी डी हो गया तो इसे हम ई ले लेते हैं, इसे एफ ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें फाइनली इन शॉर्ट अगर ये 6 है तो ये वाला पोर्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली ए ई निकालना है। जितना ए ई होगा, अगर ये एक्स है तो ए एफ भी कितना होगा, एक्स होगा। ये बात तो शुरू से पता ही है, हम लोग बोलते आ रहे हैं कि सेम पॉइंट से खींची हुई, दो टेंशन से हमें बेसिकली ये एक्स निकालना है। अब कैसे निकालें, बहुत दिक्कत है, दिक्कत तो है। चलिए फिर कुछ लगाते हैं, कुछ सोचते हैं। ये होंगे हमारे पर 3 परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए इसमें अब हमें इसे दो तरह से आना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेरा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स, कौन कौन से, ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ ए, ठीक है। किस किसके, एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ सी ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ ए, ठीक है जी। ठीक है मैडम जी, तो ए बी सी का एरिया कैसे निकालें, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अपना हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आई थिंक सबको लगाना आता होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला जब मैं इसमें लगाऊंगी तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एस चाहिए। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो एस इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू, ए मतलब मेरा पूरा कितना होगा, 6 + 8 = 14 प्लस बी इज इक्वल्स टू, बी मेरा ये वाला अगर मैं लूँ तो x + 8 और सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x + 6। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं साइड में, a इज इक्वल्स टू 14, b इज इक्वल्स टू x + 8 एंड c इज इक्वल्स टू x + 6, ठीक। ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14 14 26 प्लस 2x 28, सॉरी 2 कॉमन आ गया, तो ये कितना हो गया, 14 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है जी, ये आ गया। तो ऊपर वाले की तो अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे इरेज कर देते हैं और अपना फॉर्मूला लगाते हैं। ये मेरे एस की वैल्यू आई है जो मैं अभी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसे मिटाया नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं एस की वैल्यू, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया था ना, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया था ना, तभी तो 2 कॉमन आया था, 14 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, साइड बाय साइड राइट हैंड साइड भी करेंगे। पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एस कितना है, 14
14 प्लस एक्स, ब्रैकेट में कितना है 14 प्लस एक्स माइनस 14, ए की वैल्यू 14 थी, 14 प्लस एक्स माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 8 प्लस एक्स, सी की वैल्यू कितनी थी 14 प्लस एक्स माइनस कितना है 6 प्लस एक्स। चलिए इसे खोलते हैं, ये 14 प्लस एक्स ऐसे ही रहा, यहाँ 14 से 14 कैंसिल तो खाली एक्स रह गया, यहाँ जब हम इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, सिमिलरली ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसिल, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए 6, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए 8, ठीक है, ये हमारा इस तरह से कुछ आ गया, ये हमारा आ गया अंडर रूट 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। इसे हम एज इट इज छोड़ेंगे, अभी नहीं छेड़ेंगे, अभी जब हमारा राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलिए इतना आपने लिख लिया होगा, अब उधर का सॉल्व कर लेते हैं। इस वैल्यू को मैं उठा के सीधा यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो ये मेरा आ गया अंडर रूट 48 एक्स 14 प्लस इज इक्वल्स टू, अब ए ओ सी का एरिया देखो, ए ओ सी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इन 12, क्योंकि इसमें हमारा परपेंडिकुलर हमें पता है, हमें हाइट पता है, ओ सी हमारी हाइट होगी और बेस हमारा ए सी होगा, तो इसे हम सीधा लगा देंगे 1/2 इंटू बेस, बेस कितना ए सी इंटू ओ सी प्लस 1/2 सी ओ बी, में देखिए बेस कितना सी बी और हाइट कितनी ओ डी, सी बी इंटू ओ डी, सी इंटू ओ प्लस 1/2, इस वाले में देखेंगे तो बेस हमारा ए बी इंटू ओ एफ, ठीक है जी। चल पहले इसको पुट करते हैं 1/2 ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी होगी एक्स प्लस सिक्स होगी, ए ओ ई की वैल्यू, ओ ई की वैल्यू रेडियस है चार ही रहेगी हमेशा, प्लस 1/2 सी बी की वैल्यू, सी बी कितना है 14 है इंटू 4 ही रहेगा ये तो, प्लस 1/2 एक्स प्लस 8 इंटू 4, ठीक है। इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 12 14 दूनी 28 प्लस 2x प्लस 16, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं 2x और 2x 4x प्लस 28 और 12 40, 40 और 16 56, ठीक है, ठीक है। इसे उधर पुट करते हैं, इक्वल टू 4 कॉमन ले लूंगी x प्लस 48, ठीक है, क्लियर है। यहां भी अगर आप देखो तो इस 48 में से 4 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 16 48, इसे हम अगर 16 इंटू 3 लिखें तो ये 16 का 6 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 4 इंटू 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 एक्स प्लस 14, 4 से 4 कैंसिल, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर करते हैं,
कितना जगह, 14 थी। बयालीस एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 14 196 प्लस 14 दूनी 28 एक्स। ठीक है जी, कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया कुछ, कोई नहीं, ट्राई करते हैं। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर कैंसिल सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हमारा आ गया 2x स्क्वायर माइनस 28x और ये 180, अच्छा माइनस 28x प्लस 42 तो 14 बचेगा खाली, प्लस 14x इज इक्वल्स टू 196। ठीक है, दो कॉमन गया तो ये हमारा बचा x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 2 × 18 और 2 × 8 = 16। ठीक है, अब इसके करेंगे हम फैक्टर। नाइन्टी एट के ऐसे फैक्टर की 7 आए, क्या आएगा 14 × 7 = 98 एंड तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे इरेज कर दो, इसे फैक्टर करने हैं। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 14, माइनस 7 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आ गई, x प्लस 14 एंड x माइनस 7। तो x की दो वैल्यू आएंगी माइनस 14 एंड प्लस 7, तो प्लस 7 एक्सेप्ट करेंगे या माइनस 14, प्लस 7। तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव में तो हो नहीं सकती ना साइड। x आ गया तो b और c निकाल लीजिए, अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था आई नो, बट अब क्या कर सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन तो होता भी है। तो ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, सी प्लस ई इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, क्या लिखा है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जिसका सेंटर ओ है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं दैट इज ए बी और सी डी वो जो एंगल बनाएंगी सेंटर के साथ, ये वाले दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अपोजिट भी ले सकते हैं आप, ए ओ डी इज इक्वल प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू बी 180 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसे हम ऊपर लिख दे के छोड़ देंगे यहाँ पे, ए ओ बी प्लस डी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर यहाँ पे परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हमें 90 डिग्री की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, इन्हें सबको चोप लेते हैं। ठीक है जी, अब क्योंकि एंगल हो गए हैं बहुत सारे तो इन्हें दे दो कोई नाम, वरना ही करेंगे परेशान।
तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ठीक है, हमने इन नाम दे दिए। चले, अब हमें पता है कि जब इस तरह से कंडीशन आती थी कि अभी हमने पीछे भी किया था कि B अगर हमसे P Q R S ले तो B P O और B S O जो थे वो B P O और B S O क्या थे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स थे, तो इसलिए हमारा एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये वाला और ये वाला, सिमिलरली ये ध्यान रखना कभी ये और ये कर दो, ऐसे नहीं करना है, जो सेम टेंजेंट वाले हैं उनके दोनों एंगल्स, क्योंकि सेम टेंजेंट की साइड्स भी इक्वल होती है ना। या करके दिखाऊं, पूरा कर लेते हैं, इन ट्राइंगल बी पी ओ एंड बी एस ओ, बी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ कॉमन, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल एस 90 डिग्री एंड बी पी इज इक्वल्स टू बी, सो ट्राइंगल बी पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एस ओ बाय आर एच एस, ठीक है। जब ये इक्वल होंगे तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बाय सी पी सी टी। अब ये नहीं है कि मुझे 8 एंगल प्रूफ करने हैं तो मैं 8 के 8 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूं, नहीं, मैंने एक बार प्रूफ कर दिया, अब मैं सिमिलरली करके कर दूंगी, सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 1, इन सबको सम कर दीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 4 प्लस 3 आना चाहिए, थोड़ा सा ठीक से हमें करना पड़ेगा, 2 इज इक्वल्स टू 3 ले लिया तो हम क्यू एस से ले लेते हैं, इन सबको सम करके कुछ नहीं होगा, तो क्यू एस क्या है हमारा एक, अगर हम क्यू एस को देखें ओ से होता जा रहा है तो मेरा एक डायगनल होगा, मेरा एक डायमीटर होगा सर्कल का, तो एंगल 8 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री लीनियरिटी से होना चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एंगल 8 की जगह मैं किसे लिख सकती हूँ, एंगल 1 को लिख सकती हूँ, एंगल 1 मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम उसे एंगल 1 ही छोड़ेंगे, प्लस एंगल 2 की जगह हम किसे लिख सकते हैं, एंगल 2 ही लिखेंगे, प्लस एंगल 3 की जगह हम किसे लिख सकते हैं, एंगल 3 की जगह हम एंगल 2 को लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, देखिए अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, अब हमें पता है इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री, तो सिंपली वही कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल लिख दीजिए, कंप्लीट एंगल, ठीक है। जब इन सब का सम 360 डिग्री है तो इन सब की जगह मैं किसी ना किसी की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो अब वैल्यू मेरे ऊपर है मैं किस तरह से डिपेंड पुट करूँगी, ठीक है, तो मैं इस तरह से पुट करूँगी कि मेरे 1 और 2 आए खाली और 6 और 5 आए, बाकी सब मेरे एलिमिनेट हो जाएं, दैट मीन्स मैं 1 को 1 ही छोड़ूंगी,
टू को टू ही छोड़ूंगी, सिक्स को सिक्स ही छोड़ूंगी और फाइव को फाइव ही छोड़ूंगी, बाकी जो चार वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट करूंगी। तो थ्री वन तो मेरा वन ही रहा, टू मेरा टू ही रहा, एंगल थ्री की जगह मैं एंगल टू पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, एंगल फोर की जगह एंगल फाइव पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, एंगल फाइव ही रहा, एंगल सिक्स ही रहा, एंगल सेवन की जगह कौन आएंगे, एंगल सिक्स आएंगे, और एंगल एट की जगह कौन आएंगे, एंगल वन आएंगे, इज इक्वल्स टू 360। देखो देखो अब सारी वैल्यूज जो है वो डबल डबल हो गई हैं, तो मेरा टू कॉमन आ जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये टू इधर जाके कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल वन प्लस एंगल टू कौन सा था, एंगल वन प्लस एंगल टू ए ओ बी, रख दीजिए ए ओ बी, प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स कौन सा था, डी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ, यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी। आप सिमिलरली करके ये भी लिख सकते थे, सिमिलरली ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है जी, चलिए इसके साथ एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी, एंड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते ही हैं, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।